हाय फ्रेंड्स, इस गर्मी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हल्की फुल्की और टेस्टी और हेल्दी चिकन रेसिपी। यह है हनी लेमन चिकन रेसिपी। उसमें डाली अदरक, लहसुन, गोल मिर्च, कच्चा मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इस सब को पीस लीजिए, एकदम स्मूथ पीस लीजिए। और उसके बाद जो चाहिए वो होता है नींबू का रस। नींबू का रस जितना खटास सबको पसंद हो उतना ही लीजिए। मैंने यहाँ पर 2-3 नींबू का रस लिया है क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। ऐसे तो आप 4 चम्मच डालिए तो ठीक रहता है, ठीक है? 4 चम्मच डालेंगे तो वो सही होगा। और फिर थोड़ा सा हनी आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का। ये डाबर का हनी है। हनी भी इतना ही डालिए जितना मीठा सबको पसंद हो, ये आपके रुचि के अनुसार है। देखिए, खाना पकाने में हमेशा ज़रा इनोवेटिव होना पड़ता है ना। फिर जो पीसे हुए मसाला को डाल दीजिए चिकन में, नमक डालिए बस और कुछ नहीं। उसको मिला दीजिए अच्छे से मैरिनेट करके आप 1 घंटा तो रखिए। अगर हो सके आप 3-4 घंटे भी रख सकते हो। उसके बाद तावे में डाल एक तावा लगाइए और उसमें थोड़ा सा तेल छिड़क दीजिए और सारे चिकन्स को डाल के ढक दीजिए। आधे 20 मिनट के बाद एक बार उसको पलट दीजिए। देखिए ये टेक्सचर आ जाता है, कितना स्मूथ हो गया। देखिए चिकन की अपने से निकल के आ रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग डाला था ना हनी और जो लेमन जूस, वो सब में स्मूथ बन जाता है। फिर एक एक करके हर एक को पलट दीजिए। पलटने के बाद थोड़े से और रख सकते हैं अगर थोड़ा और फ्राई करना है। और उसके बाद ये है इसका फाइनल लुक। आप इसको राइस के साथ ले सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो।